आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। सीबीआई ने बीसीसीएल पीएफ क्लर्क को 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के ईस्ट बसेरिया कोलियरी कुसुंडा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यालय के पीएफ क्लर्क भूतेश्वर साहब 10,000 रुपए घूस लेते सीबीआई के हाथों गिरफ्तार। उसने एक अवकाश प्राप्त कोल कर्मी द्वारिका मंडल से पीएफ पेंशन की निकासी के एवज में रिश्वत मांगी थी। द्वारिका मंडल ने इसकी शिकायत सीबीआई से कर दी थी। सीबीआई ने आज उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सब सुधर जाएंगे लेकिन हम नहीं सुधरेंगे को बीसीसीएल पूरी तरह से चरितार्थ कर रहा है। कोल इंडिया कंपनी जहां तक मुझे जानकारी है अपने कर्मचारियों से लेकर कोल अधिकारियों तक इतना वेतन और सुविधा प्रदान करती है कि दूसरे कंपनी नहीं करते हैं। बावजूद रिश्वत लेना इनका ऐसा लगता है कि जन्मसिद्ध अधिकार है। लगातार सीबीआई छापेमारी कर रिश्वतखोरों को पकड़ रही है, फिर भी यह नहीं सुधर रहे हैं, क्यों? ईस्ट बसूरिया के हाजरी क्लर्क की घूसखोरी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बुधवार को बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया में सीबीआई की टीम ने दबिश दी। एरिया क्लर्क भूतेश्वर साहब को 10,000 रुपए रिश्वत लेते सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया। द्वारिका मंडल नाम के रिटायर्ड कोल कर्मी से पेंशन और पीएफ के पैसे की निकासी के लिए पैसे की मांग एरिया क्लर्क कर रहा था, जिसके लिए उसने 25,000 की मांग की थी। सीबीआई टीम क्लर्क के पूरे बैकग्राउंड को खंगाल रही है, कागजात का जुटान कर रही है, अन्य कोल अधिकारी से भी जानकारी एकत्रित कर रही है। धनबाद से अजीत कुमार, आरपी भारत।